पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या उनको ये चीज पता चल चुकी थी कि उनके जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो प्रसारित होने वाली है, इस पर क्या मानते हैं? बड़े बड़े हमारे जो देश के धन्ना सेठ हैं उनका भी नाम बीच में आ रहा है, मैं उनका नाम बोलना नहीं चाहूंगा। क्योंकि आने वाले समय पे बैंक उनसे अपना लोन वापस के लिए भी कुछ अपील कर सकते हैं, तो वो अपना लोन कैसे ऐसे स्थिति में वापस दे पाएंगे जब एसेट्स उनके पास नहीं रहे। अदानी के शेयरों की भी बात करी जाए तो अदानी इंटरप्राइजेज लगभग 4200 के स्तर से 1000 रुपए तक आ गया, तो आप हिसाब लगा लो कि 75 से 80% इनके भी शेयर डाउन हो गए जी। अच्छा अभी बात भी करेंगे, लेकिन जैसे इंटरव्यू की बात हुई, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिरकार जो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो अब खामोश दिखाई दे रहा है, उन्होंने पूरा अडानी का जो इंटरव्यू था वो अपने चैनल से जो है प्रसारित किया, और करना भी चाहिए अगर करते हैं तो। लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आखिर इस टाइम से पहले ही वो इंटरव्यू कैसे आया, और दूसरी बात कि जो FPO वापस लिया उन्होंने 20,000 करोड़ का FPO, जो कि 100% सारे सब्सक्राइब हो चुका था, उस पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या उनको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि उनके जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो प्रसारित होने वाली है, इस पर क्या मानते हैं? देखो जो FPO की बात है इसमें भी थोड़ा सा जो खबरें ऐसे चलने लगी कि पहले FPO का जैसे ही इन्होंने कर रखा था कि 3176 के भाव पे हम FPO ला रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का FPO आया था मार्केट में, और उसकी लास्ट डेट जो 31 जनवरी 2023 थी, और उसमें जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ये 25 तारीख को, 26 जनवरी को शेयर मार्केट की छुट्टी थी गणतंत्र दिवस के चलते, तो 25 तारीख दिन बुधवार को जब इसकी रिपोर्ट आई थी तो इसका जो शेयर जो चल रहा था 3200 या 3400 के लगभग चल रहा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 3400 से 3350 इसके एरिया में चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है दोपहर को, सुबह 8:15 बजे से ही रिपोर्ट आ गई थी, तो उस दिन भी अदानी का शेयर 5 से 6% पहले गिरा। फिर उसके बाद उस दिन क्योंकि जनवरी सीरी की जो एक्सपायरी चल रही थी उसमें भी थोड़ा बाजार उलझा रहा, तो उसके चलते भी लोगों ने थोड़ा बहुत समझा कि शायद ये जनवरी की एक्सपायरी के चलते ही शायद ये शेयर गिर रहा है जी। तो उसमें थोड़ा उलझा रहा। जब फिर बृहस्पतिवार को थर्सडे को जब मार्केट बंद रहा था, उसके बाद जैसे ही शुक्रवार को मार्केट में और चर्चाएं चलने लगी, क्योंकि जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद जब लोग एनालाइज करते हैं तो पता चलने लगा कि ये जो खबर है ये थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, तो उसके बाद जो है कि शुक्रवार को जब बाजार खुला तो उसके बाद अदानी के शेयर ही पूरे शेयर बाजार को ले डूबे, और उस दिन बाजार लगभग 300 से 350 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ था जी। अच्छा इसमें बात अब ये भी आ रही है कि आगे क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, किस तरीके से अब जो है देश जो, क्योंकि अडानी जो समूह है बहुत बड़ा समूह है, देश की शायद आर्थिक स्थिति भी अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं, अंबानी अडानी दो नाम जो इस समय चलते हैं देश के अंदर, तो इस पर क्या मानेंगे, क्या आने वाले टाइम में जो जैसे रिसेशन का टाइम आएगा मंदी में, तो किस तरीके से देश उभर पाएगा क्या इस चीज़ से, या क्या होगा? देखो पहले मैं आपको FPO के ऊपर भी बताता हूँ कि FPO का जो रेट था वो 3175 था, और जिस दिन लास्ट दिन था FPO भरने का उससे पहले जो अदानी इंटरप्राइज का जो शेयर था वो लगभग 2800 रुपये के आसपास चल रहा था। अब उस दिन इन्होंने शाम को सैटरडे संडे की क्योंकि छुट्टी चल रही थी सोमवार से पहले वीकेंड पे, तो कैसे इन्होंने करा उसमें बड़े बड़े हमारे जो देश के धन्ना सेठ हैं उनका भी नाम बीच में आ रहा है, मैं उनका नाम बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मीडिया में भी उस प्रकार से पूरा सत्य नहीं है कि शायद उन्होंने भी वो शेयर खरीदे हैं नहीं, लेकिन अडानी ने ये करके दिखा दिया था कि 20,000 करोड़ का उसे इंतजाम हो गया था, बड़े बड़े धन्ना सेठों ने उसमें पैसे लगा के और वो उसको फुली सब्सक्राइब कर दिया था। अब आप इसमें ये चीज़ देखिए कि जो इसका रेट था वो था 2800 रुपये, और FPO का जो रेट था 3100 रुपये, मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपको ठेली पे सेब मिल रहे हैं 100 रुपये किलो, और मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं भैया आपको ये 300 रुपये में ले लो, और 300 रुपये में लोग लेके भी चले गए, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ से शेयर मार्केट को थोड़ा और कन्फ्यूजन डाउट हुआ, कन्फ्यूजन की स्थिति आई, तो उसके चलते जो शेयर जो 2800 रुपये भी चल रहा था वो पिछले पूरे एक हफ्ते से सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन में गिरता हुआ 1000 रुपये आ गया जी। तो यहाँ से भी थोड़ी सी डाउट की स्थिति लगती है। अब अगर हम देखा जाएगी ओवरऑल देखा जाएगी आने वाले समय में इसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे को जो लगता है कि खाली अदानी से देख कर हमें इंडिया की शेयर मार्केट के ऊपर इतना डाउट नहीं करना चाहिए। अभी हमारा 1 फरवरी को जो बजट गया है बजट बहुत ही अच्छा आया है, तो मेरे को जो लगता है कि अभी जो न्यूनतम स्तर जो बाजार ने दिखाने थे वो 17,300 के आसपास फिलहाल दिखा दिए हैं, और वहाँ से बाजार जंप करके 17,800 के आसपास आ गया है। जैसे ही बाजार 18,100 और 18,200 के ऊपर चलने लगेगा हमारा निफ्टी, तो उसके बाद से हमें लगता है कि नीचे के स्तर शायद बंद हो जाएंगे और ऊपर की तरफ हमारा बाजार 19,000 से 21,000 की तरफ आने वाले 2-3 साल में हमें दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिसेशन वगैरह की जो बातें चल रही हैं अमेरिका में चल रही हैं, इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा लास्ट 2 सवाल, एक तो ये एक रिपोर्ट आई है, तमाम वीडियोज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी, कि अडानी के पास उतने एसेट्स
नहीं है, जो एक का रेशो होना चाहिए एसेट्स अपॉन जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो आपको चुकाना है, बैंकों का लोन देना है, तो पांच कंपनियां उनकी ऐसी हैं जो एक रेशो के नीचे चली गई हैं, 0.2, 0.3, 0.5 पे आ गई हैं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आने वाले समय पे बैंक उनसे अपना लोन वापस के लिए भी कुछ अपील कर सकते हैं, तो वो अपना लोन कैसे ऐसे स्थिति में वापस दे पाएंगे जब एसेट्स ही उनके पास नहीं रहे? तो देखो जी, इनको इनके ऊपर कर्जा तो काफ़ी समय से ही चल रहा था और ये सबको पता था, जब ये शेयर 200 रुपये का था तब भी उन पर उतना ही कर्जा था, ये 3 साल में कर्जा और बढ़ा ही था, 200 से चल के 4200 हो गया। तो अगर उस समय भी अगर इसको आप ले रहे हो और फंडामेंटली, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि महंगाई था 200-250 के पी पे इनके काम करते हैं शेयर, और अगर हम इनके कोई से भी शेयर उठा के देख लो, अदानी पोर्ट देख लो, अदानी विल्मर देख लो, या अभी इन्होंने, हाँ इनके एक जो एक दो स्टॉक हैं अंबुजा सीमेंट या ACC सीमेंट जो इन्होंने अभी अभी खरीदे हैं, और ये लगातार खरीदते ही चले जा रहे हैं कंपनियां, 10-15 कंपनियां खरीद चुके हैं, एयरपोर्ट भी ये खरीद चुके हैं, ये सब कर्जे के दम पर ही किया जा रहा है। लेकिन यह है कि इनके पास असल अपनी संपत्ति से कुछ नहीं किया जा रहा है, ये जनता के पैसे से थोड़ा सा किया जा रहा है, क्योंकि जो बैंक से भी लोन दिया जाता है वो जनता का ही पैसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट सवाल मेरा, हिंडनबर्ग जो है, क्योंकि काफ़ी जो एक्सक्लूसिव सनसनीखेज रिपोर्ट जारी करता है और अधिकांश उसमें देखा गया है कि लगभग 70-75 कंपनियों की रिपोर्ट दी है, जिसमें से 60 कंपनियां जो हैं वो उनके 90% तक शेयर जो गिरे हैं, और अडानी को भी उन्होंने 85% तक शेयर उन्होंने कहा था गिरेंगे, जिसमें आप बता रहे हैं कि 70-75% उनके भी गिर चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खबर वो उनकी खबर को पुष्टि होती हुई इस समय दिखाई दे रही है। क्या ये पूरा मैटर है, क्या इसके पीछे कोई पैसे कमाने का धंधा है, और जो शॉर्ट सेलिंग की बात है कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके जो है अपना मुनाफा कमाते हैं, क्या है पूरा ये मकड़जाल? देखो, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो उन्होंने दिखाया है और जो पुराना उनका इतिहास रहा है, उन्होंने जिस कंपनी के ऊपर अपनी रिसर्च करके उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, वो उनके शेयर सच में ही 70-90% डाउन हो जाते हैं। और अगर आप अदानी के शेयरों की भी बात करी जाए तो अदानी इंटरप्राइजेज लगभग 4200 के स्तर से 1000 रुपये तक आ गया, तो आप हिसाब लगा लो कि 75-80% इनके भी शेयर डाउन हो गए हैं जी। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होना है। उसमें यह है कि आगे इनके जो स्तर हैं वो धीरे धीरे, अब रिजल्ट वगैरह आएंगे वो उसमें अच्छे निकलते हैं नहीं, अभी सेबी ने भी सारी रिपोर्ट वगैरह मांगी ली है बैंकों से कि भैया आप बताओ कितना कितना कर्जा आपने इनके ऊपर दे रखा है। SBI से भी पिछले हफ्ते बात हुई थी तो SBI ने बताया था कि जितना RBI का गाइडलाइन है हमने उनसे कम ही रूल दे रखे हैं। तो हो सकता है अब देखो, अगर सब कुछ रिपोर्ट्स में जो हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं अगर वो सब सच साबित होते हैं तो ये शेयर नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर बाद में ये धीरे धीरे सच्चाई आती है और ये इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता तो इनके जो शेयर हैं दोबारा से उठने लगेंगे और वो आपको इनके रिजल्ट में और धीरे धीरे आने वाले समय में दिखाई देने लग जाएगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग की एक चर्चा आई बीच में कि एक खरीद लेते हैं किसी से शेयर, मांग लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं उस रेट पर, जब शेयर डाउन होता है तो उसको उस रेट पर बेचकर और दोबारा वापस लौटा देते हैं, उसमें मुनाफा होता है, क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? देखो, शेयर मार्केट में काम करने का एक तरीका होता है कि पहले आपको खरीदना होता है शेयर, उसके बाद आपको बेचना होता है। खरीदने के बाद जैसा है कि मैं आज शेयर खरीदूंगा और उसको मैं आज भी बेच सकता हूं, उसे इंट्राडे कहा जाता है। अगर मैं उसको एक दो महीने के बाद बेचता हूं, या मतलब एक बार मतलब मैंने उसके शेयर खरीद लिए और उसके बाद मैं उसको डिलीवरी आ जाती है मेरे पास, होल्ड करके रखता हूं और उसको बाद में उसे साल भर बाद बेचूं या 10 साल बाद बेचूं, एक तो ये तरीका होता है कि पहले मैंने खरीदा बाद में बेच दिया। दूसरा तरीका शेयर मार्केट में काम करने का ये भी होता है, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, कि मेरे पास शेयर नहीं है लेकिन मैंने उसे डेरिवेटिव में, फ्यूचर्स में उसे शॉर्ट कर दिया है और मैंने उसके, अब जैसे हिंडनबर्ग ने किया है कि उनके ऊपर रिपोर्ट लगा दिया, एलिगेशन लगा दिए हैं कि इनके इन्होंने सब कुछ गड़बड़ी करी है, धांधलेबाजी की है, तो उसके चलते उन्होंने पहले ही उनके उच्चतम रेटों पर, उच्चतम स्तरों के आसपास उनके अदानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाई है और उसके बाद अब उनके शेयर नीचे गिर गए हैं, वहाँ पे उसे वो खरीद के द्वारा स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो मान लो जैसे उन्होंने 4000 के आसपास उसे शॉर्ट किया होगा और 1000 या 1200 के आसपास उन्होंने उस पोजीशन को बराबर कर दिया होगा, तो बीच का जो गैप है ये उनका मुनाफा हो जाता है, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं जी। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपने सुना, पंकज शर्मा जी हमारे साथ एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट के तौर पर आज जुड़े हुए थे, काफ़ी लंबी चर्चा उनसे हुई, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी जो राय है वो यहाँ पर रखी। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिरकार अडानी ग्रुप, जो कि आरोप उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया अपने स्टॉक्स में हाई राइज, जैसा कि उन्होंने कहा कि 200 रुपये से 4000 तक स्टॉक पहुंच गया काफ़ी कम समय में, ऐसा पहले बहुत ही कम देखा गया है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग पर भी आरोप लगे कि वो अपने मुनाफे के लिए उन्होंने जो है इस तरीके का जो हमला किया है सबसे बड़े ग्रुप पर, भारत के सबसे बड़े ग्रुप में से एक। तो अब यह जाँच का विषय CBI है, ED है, CBI है, तमाम तरीके की जो एजेंसियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं इस मामले में जो है गंभीर जाँच करनी चाहिए, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम जो आम जनता का पैसा है उससे लेकर ये जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि LIC भी इन्वेस्टमेंट है, SBI भी जो सुनने में आया है वो अडानी जो ग्रुप है उसमें इन्वेस्ट करती है शेयरों में। तो अपना आप चैनल का नाम बता दीजिए, कैसे लोग आपको देखें और क्या राय जाननी हो तो आपको कहाँ मिल सकते हैं? मैं अवधूत मंडल
ज्वालापुर हरिद्वार में मेरा शेयर मार्केट का ऑफिस है, आप मेरे को वहाँ पर भी सोमवार से शुक्रवार मार्केट टाइम्स में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप मेरे से आप आकर मिल सकते हैं। और मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार जी, नया ही अभी चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें जी। तो धन्यवाद। तो आज आपने तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज बात करी, गंगा पीछे बह रही है, हरिद्वार में समय मौजूद है, काफ़ी उत्सुक थे लोग क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में तमाम सवाल थे। जाहिर सी बात है हमने उनको जितने भी सवाल थे उनको हमने ट्रेडिंग एक्सपर्ट से पूछा और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिए क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप बोलता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका अनुभव रहा है, उन्होंने नए इन्वेस्टर जो है उनको भी अपनी राय दी है। तो हरी टीवी आज खास मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हुआ था, फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।